अयोध्या में बने राम मंदिर में सैकड़ों मुसलमानों ने रामलला के दर्शन किए। बता दें 25 किलोमीटर रोजाना चलकर 5 दिन में मुस्लिम राम भक्त अयोध्या पहुंचे। वहीं अयोध्या में बने राम मंदिर में पहुंचे सभी मुस्लिम राम भक्तों ने भगवान राम को अपना पूर्वज बताया। पीलीभीत में 4 करोड़ की लागत से बन रही 18 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में बड़ा खेल सामने आया है। सड़क निर्माण में पुराना पत्थर डालकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बता दें कि मोरंग के नाम पर मिट्टी से पुराना पत्थर दबाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का खेल पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों के संरक्षण में खेला जा रहा है। यह पूरा मामला पीलीभीत के घुंगचई से दियोरिया जंगल मार्ग का है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुई धांधली का मामला सामने आया है। वहीं डीएम का कहना है कि लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई है, अन्य दिए गए सामानों की रिकवरी होगी। 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मनियर के एडीओ पंचायत समेत 8 लाभार्थियों पर केस दर्ज हुआ है। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। नोएडा पुलिस के 3 शातिर लुटेरों से एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आकाश नाम का हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश के 2 साथियों को भी पकड़ा है। कब्जे से 1 चोरी की बाइक, 1 तमंचा, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं तीनों बदमाश नोएडा NCR क्षेत्र में लूट करते थे। सेक्टर 58 थाना पुलिस की थाना क्षेत्र के डी पार्क से पकड़ा गया है ये बदमाश। लूट की घटना को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। लुटेरे 5,000 और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे SP निपुण अग्रवाल। SP ने लूट की घटना से हल्का इंचार्ज को निलंबित किया है। हाथरस के जलेसर रॉ स्थित तिरपस गांव के पास की ये घटना है। गाजियाबाद NH9 मॉडल टाउन पर ऑटो वालों के साथ हितेश राजपूत व उनके साथ मौजूद कांस्टेबल की गुंडागर्दी सामने आई है। हितेश राजपूत व उनके साथ मौजूद कांस्टेबल सरेआम मोबाइल छीनकर जेब में रख लेते हैं। सरेआम धज्जियां उड़ा रहे अधिकारियों पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। शामली में पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें पुलिस और चोर के बीच हुई मुठभेड़ में चोर के पैर में गोली लगी है। घायल चोर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पकड़े गए चोर ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 4 जगह चोरी की थी। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंभलका के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। रायबरेली में हाई स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म करने के बाद युवक पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप भी लगा है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। SP के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता रायबरेली खिरो थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अगली खबर हापुड़ से आ रही है, जहां आटा मिलने पर दरोगा का पारा चढ़ गया, जिसके बाद आटा चक्की वाले की दरोगा ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। वहीं मामला सामने आने के बाद दरोगा द्रविंद्र को तत्काल सस्पेंड किया गया है। बता दें हापुड़ के झाड़ झड़ीना चौकी पर दरोगा देवेंद्र सिंह तैनात था। बदायूं में बर्थडे पार्टी में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें बर्थडे पार्टी में BJP सपा के कई नेता शामिल हुए थे। सट्टा किंग लालू लाल मियां की बर्थडे पार्टी में डांस करने का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस पार्टी में BJP विधायक महेश गुप्ता का बेटा विश्वजीत मौजूद था। इसके साथ ही BJP नेता अंकित मौर्य भी पार्टी में शामिल हुआ था। सपा नगर अध्यक्ष समेत 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बदायूं के शहर कोतवाली के अहमद मैरिज लॉन का है पूरा वीडियो। फिरोजाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मिशन परिवार विकास अभियान की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सारथी वाहन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में जन समुदाय को परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान CMO डॉक्टर रामबदन राम ने सभी लोगों से परिवार नियोजन के साधन अपनाकर जीवन खुशहाल बनाने की अपील की। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद आलम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अरविंद चौधरी, जिला फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक प्रबंध विशाल तिवारी, आशु लिपिक,
डॉक्टर पवन कुमार वर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी पालीवाल, चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। रायबरेली का इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह बार बालाओं संग अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक का बार बालाओं संग अश्लील डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, सुरेंद्र बहादुर सिंह सरेनी विधानसभा से पूर्व विधायक है। फिरोजाबाद के ब्लॉक नारखी में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का जोरदार स्वागत हुआ। नारखी में जिला अध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल की सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदुओं के सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया रहे, जिसमें उन्होंने कहा, हमारा संकल्प पूरा हुआ। वह राम मंदिर के लिए 4 बार जेल गए और अंत में उनका सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा, ये राम मंदिर के लिए 8.25 करोड़ हिंदुओं ने त्याग करके उनके 1.25 रुपए से मंदिर बना है। उन्होंने कहा, हमारे देश के लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उनके बलिदान को कैसे भूला जा सकता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो 500 वर्षों की कार सेवकों की तपस्या के बाद प्रभु श्री राम में स्थापित हुए हैं और इन सबको हमने अपनी आंखों से देखा है और इस बात के साक्षी बने हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भी आगे कदम बढ़ाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने का संकल्प दिलवाया और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने को कहा। फिरोजाबाद में लगातार दिन और रात्रि के समय युवक अपनी बाइक पर पुलिस की नीली और लाल रंग की लाइट लगाकर घूमते नजर आते हैं। युवाओं में पुलिस का भय नहीं है, पुलिस की नीली लाल लाइट लगाने वालों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं कार्यवाही नहीं होने से बाइक सवारों के हौसले बुलंद है। औरैया में डीसीएम और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में डीसीएम चालक घायल हो गया। बता दें, हाईवे पर बने कट से अचानक ट्रैक्टर के आ जाने से डीसीएम से जोरदार भिड़ंत हो गई। डीसीएम और ट्रैक्टर की टक्कर होने से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं डीसीएम चालक घायल हो गया। भिड़ंत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम चालक को सीएससी अजीत मल में इलाज के लिए भेज दिया। इसके साथ ही हाइड्रा की मदद से डीसीएम को हटाकर किनारे करवाया। बता दें, डीसीएम चालक पंजाब से प्लास्टिक दाना लोड कर कानपुर ले जा रहा था, तभी भिड़ंत हो गई। और यह जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे अमावता कट के पास हुई ये भिड़ंत। आगरा में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। बता दें, गैस पाइपलाइन रिसाव से हुए धमाके में 2 लोग घायल हुए। जेसीबी की खुदाई से टूटी गैस की पाइपलाइन मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तेज धमाकों की आवाज और आग की लपटों को देख भीड़ जुट गई। मॉक ड्रिल की जानकारी होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। हाथरस रोड पर गेल इंडिया ने पाइपलाइन में गैस लीकेज को कंट्रोल करने के लिए मॉक ड्रिल किया। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गलत तरीके से शादी कराने का मामला सामने आया है। शादी कराने के लिए आवेदन करने और गलत आवेदन को बिना जांच किए सत्यापन करने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बलिया के बासडीह विधानसभा क्षेत्र के मनियर इंटर कॉलेज में सामूहिक शादी हुई। सामूहिक शादी में सहायक समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार यादव एवं 8 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। सीडीओ के निर्देशन पर समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया। बिना शादी हुए और पहले हुई शादी के लाभार्थियों ने उपहार लिया। बलिया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गलत तरीके से शादी करने का ये मामला है। सोनभद्र में योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सामूहिक विवाह में हुआ बड़ा खेल, चांदी की जगह दे दी गई स्टील की पायल। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत चतरा ब्लॉक से 89 नगवा से 26 कुल जोड़े शामिल रहे। हिंदू व मुस्लिम जोड़ों की शादियां बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन जो सामान शादी के जोड़ों को दिया जा रहा था वह बिल्कुल घटिया किस्म का था। सोनभद्र के जिलाधिकारी व समाज कल्याण की बड़ी लापरवाही देखी गई। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने पोल खोल दी। मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके अंतर्गत कुल आज यहाँ पे 115 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है और इसमें इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 51,000 रुपये मिलता है, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में 10,000 रुपये का सामान और 6,000 रुपये व्यवस्था के लिए खर्च होता है। तो शादी विवाह सब सकुशल संपन्न हुआ है। सामान के बारे में कुछ शिकायत आई है, जो 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है उसके बारे में ठेकेदार की शिकायत यहाँ पर आई हुई है, जिसकी जाँच करा के
आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर शिकायतें भी मिली है कि गिलट का भी पायल कुछ लोगों को प्राप्त दिया गया है। कुछ लाभार्थियों ने यहाँ पे शिकायत किया है, पायल के बारे में शिकायत किया है, गड्ढा भी उनको एक ही मिला है अभी ठेकेदार द्वारा। तो अभी दरअसल क्या है कि अभी समाज कल्याण से उनको शिकायत की गई है और पैसा भी उनका पेमेंट नहीं किया गया है ठेकेदार से, और जब तक पूरी सामान नहीं देते हैं, सामान देंगे, अगर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। सर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी सर, जांच की कार्रवाई होगी। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इसमें जो भी लापरवाही करेगा अगर वो ठेकेदार है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा अगर सामान नहीं देते हैं तो। अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर ग्रामीण और महिलाओं में झड़प हो गई। पुलिस ने दागी लाठी तो महिलाओं ने संभाला मोर्चा। पुलिस और महिलाओं में खूब चले लाठी और डंडे। अम्बेडकर प्रतिमा को तोड़े जाने से नाराज थे ग्रामीण। स्थानीय पुलिस का आरोप, खंडित प्रतिमा की मरम्मत में बाधा डाल रहे थे ग्रामीण। पुलिस कप्तान का कहना है कि मामले में सुलह हो गई है। बदायूं में दरोगा ने रोडवेज कर्मी को बस से खींचकर पीटने का वीडियो, दरोगा का पिटाई करते वीडियो वायरल हो रहा है। सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद के बाद दरोगा पहुंचे थे। विवाद की सूचना पर पहुंचे दरोगा बेकाबू हुए दरोगा ने रोडवेज परिचालक को जमकर पीटा। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। फरुखाबाद में कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। गन्ना लदे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी। उसके पीछे आ रहा बाइक सवार भी टकराया। बता दें टेम्पो में आधा दर्जन से अधिक सवारियां बैठी थी। टेम्पो और बाइक की सवारियां गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। फरुखाबाद के कंपल थाना क्षेत्र के मंदेपुर गांव के पास का है मामला। दवा लेने कानपुर हाईलाइट में जा रहे थे। अच्छा। टेम्पो से गाड़ी पे कब आए रहे थे, आते पाँच छह लोग गांव के। मैंने कहा तो कम चोट है, ये आगे बैठे थे इनके चोट ज्यादा। ट्रैक्टर खड़ो कर दो, माने गन्ना को भैया पिंजर हुई हो तब माने गन्ना को भरो, ट्रैक्टर रोड पर छाड़ो। अब बाई से समझो टक्कर जो आज बाद कोई राम दिखाना ना, टेम्पो बाई घुसी हो ये आगे बैठे। तो अम्मा अस्पताल कौन लाओ इन्हें, हमारे गाँव में वाले लाए थे और हमारे। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला जगदीशपुरा क्षेत्र के चहेती नगर गांव के पास का है। शामली में तेल व्यापारी पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। धारदार हथियार से व्यापारी पर हमला किया गया है। बाइक सवार तीन युवकों ने हमला किया। गाड़ी में बाइक लगने को लेकर के ये विवाद हुआ था। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल पिता व पुत्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमले की घटना का CCTV भी सामने आया है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र का भिक्की मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। लखीमपुर खेरी से मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। सड़क पर ठीक ठाक चल रहा एक युवक अचानक सड़क पर गिर जाता है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही युवक की सांसें थम चुकी होती हैं। मौत से चंद सेकंड पहले ही युवक ने एक दुकान से घर का सामान खरीदा और अगले ही पल वह दुनिया को अलविदा कह गया। डॉक्टरों के मुताबिक मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। हापुड़ में कोहरे का कहर देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के वजह से हाईवे पर करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर हादसे में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक गैस कैप्सूल वाहन और एक ट्रक भी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से रेस्क्यू कर रही हाईवे पुलिस की गाड़ी भी हुई हादसे का शिकार। आज लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह सूचना मिली कि एक हादसा हो गया है जिसमें कुछ वाहन पलट गए हैं। तो जब मौके पर जाया गया तो देखा गया कि एक पिकअप को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिससे पिकअप का जो ड्राइवर था उसको चोट लगी, जिसको कि एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजा गया है। और जब पिकअप को हटा रहे थे तो हाईवे 4 की गाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मी को पीछे से एक टैंकर ने टक्कर मारी, तो जिससे वो उसके पैर में थोड़ा चोट लगी है, उसको भी उपचार हेतु भेजा गया है। जिसकी वजह से पीछे दो एक तो ट्रक भरा हुआ और एक LNG का टैंकर, उसको वो पलट गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर थोड़ा जाम लगा है, जिसको हटवाया जा रहा है और हटवाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 104 में दिन दहाड़े हुई एयर इंडिया के क्रू मेंबर सूरज भान की हत्या में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश नवीन शर्मा की थाना 39 पुलिस के साथ हुई मुठभेड़।
मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 43 में चेकिंग के दौरान नवीन ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। डीसीपी ने बताया कि नवीन शर्मा विजय विहार फेज 2 सेक्टर 4 दिल्ली का रहने वाला है और 19 जनवरी को सेक्टर 104 में हुए एयर इंडिया के क्रू मेंबर सूरज भान की हत्या में वांछित चल रहा था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। नवीन शर्मा कपिल मान गैंग का शार्प शूटर है और उसने कपिल के साथ मिलकर दिल्ली में बिल्डर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। नवीन ने ही सेक्टर 104 की घटना में सूरज भान की रेकी कर कपिल को सूचना दी थी और शूटर उपलब्ध कराए थे। ये कई और गैंग का सक्रिय सदस्य रह चुका है। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप, जबरन धक्का मुक्की कर पीसीआर में पुजारी को ले जाने का आरोप लगा है। सीसीटीवी कैमरे में धक्का मुक्की की घटना भी कैद हुई है। चौकी इंचार्ज खुद लेखपाल बन गए, पटवारी वेयर हाउस वालों का साथ देने का आरोप है। महंत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं महंत ने उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर थाना बादलपुर क्षेत्र का है पूरा मामला। बाराबंकी में पुलिस रात्रि गश्त की खुली पोल, अज्ञात चोरों ने मंदिर में चोरी कर ली। चोरों ने प्राचीन मंदिर में शिवलिंग पर रखा चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। शिवलिंग से चांदी का मुकुट चोरी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अब तक 3 बार मंदिर में चोरी हो चुकी है। सोनेश्वर योगिनी महादेव मंदिर में से चांदी का मुकुट चोरी हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के शिवनाम गांव में स्थित है ये प्राचीन मंदिर। बांदा में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं संग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रात्रि गश्त में 4 संदिग्धों की तलाशी लेने पर कछुए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवक दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को पकड़कर खाने में इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। बता दें कि ये गिरफ्तारी गिरवा क्षेत्र प्रेमपुर गांव के पास है।